एक एक पुरस्कार की हम ये घोषणा करते हैं। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज रयतेचा राजा पुरस्कार 21 लाख का पुरस्कार है। ये पुरस्कार है। अब इस पुरस्कार के लिए मेरे दो सहयोगी हैं, मैं इनको बुला रहा हूं यहां पे। ये जितनी चिट्ठियां हैं वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसा करके, ताकि एक आपको एक फील आ जाए कि सबको मौका मिलेगा। तो आप आइए श्याम और रुपेश आ जाइए, इसको पूरा करें। आप उठा के चले जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इसको ऊपर से नीचे कर लेना, करो एक बार और पूरा, ये भी इधर भी और करो, देखना नीचे गिर गया कुछ। और दो, हो गए। तो इस तरह से अभी इसका हमने लेवलिंग किया है। अब मैं एक चिट निकाल रहा हूं, मेरी आंखें मैं बंद कर रहा हूं, आप देखिएगा, और आंखें बंद करके एक चिट्ठी निकलेगी, जो काउंटर फाइल है वो निकलेगा, और वो विजेता होगा पहले पुरस्कार का, छत्रपति शिवाजी महाराज रयतेचा राजा पुरस्कार। ये वो चिट्ठी है, ये नंबर, हाँ नंबर दिखा रहा हूँ। नाम कितना है, बबलू कुमार दास, ये है वो, देखिए, ये धनबाद के साथी हैं बबलू कुमार दास। और ये नंबर है, ये नंबर देखिए, इसको जूम इन करिए, क्लोज, ओके, ओके। अब मैं फिर से पढ़ता हूं इसको, डब्लू कुमार दास है, नंबर बोल दीजिए, हाँ नंबर बताता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट धनबाद के हैं, इनका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी लिखा है, लेकिन नहीं तो बता रहा हूँ, एक मिनट बताइए, इसका नंबर है 158114। इसका जो वीआईपी पास है इस काउंटर फाइल का, उसका नंबर है 158114। ये पहला पुरस्कार है, ये इनको पुरस्कार दिया जाता है, ये इनको जाता है, इसकी घोषणा हम लोग करते हैं। भाई स्टेपल करिए, स्टेपलर मंगाइए, स्टेपलर भेजिए, मुकेश जी स्टेपलर भेजिए, स्टेपलर। महात्मा ज्योतिराव फुले सामाजिक समता पुरस्कार, ये सेकंड पुरस्कार है, ये भी 21 लाख का पुरस्कार है। ओके, अब फिर से करिए आप। वाटर प्लीज, वाटर। अच्छा ठीक, नीचे से करो, और इधर से और करो, लाओ ऊपर पूरा देखना, तुम भी करो ना, ये करो, ठीक है, ओके। नाउ पैन द कैमरा, ये
मैं आग बंद कर रहा हूँ मेरी। ये है प्रवीण, है प्रवीण लिखा है, पीएनसी लिखा है, व्हाट इज पीएनसी, है ना। अच्छा नंबर देख लीजिए, ये नंबर है 114359। नंबर पे जूम करो, यहाँ पे थैंक यू। चलो तो ये प्रवीण जी है, प्रवीण जाधव है मेरे ख्याल से, क्या अलग जाधव ही है ऐसा लगता है। पीएनसी यानी कि पुणे तो नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट देन हिज मोबाइल नंबर इज 7303940239। ये मोबाइल नंबर है और इनके पास का नंबर है 114359। रखिए आप, रखिए अब तीसरा पुरस्कार, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले आद्य शिक्षिका पुरस्कार। अब फिर से इसको फिर से घुमाइए नीचे से ऊपर करके। अच्छा अच्छा नहीं नहीं ठीक है, चलो ठीक, ओके चलो। अब मैं ये करता हूँ फिर से कार्रवाई, जी ये है संतोष। अब एड्रेस तो नहीं है इसमें, नहीं वाराणसी, वाराणसी से है ये और नंबर है 34283। ये ओके चलिए तो एक बार फिर से बता दें, संतोष इनका नाम है, ये वाराणसी से, नंबर 34283 इनके पास का नंबर, ठीक है ओके। अब चौथा पुरस्कार है मान्यवर कांशीराम बहुजन गौरव पुरस्कार, ये भी 21 लाख के लिए दिया जा रहा है, 21 लाख की राशि है और मानचिन्ह भी है इसके साथ में। मैं फिर से वही प्रक्रिया को अपनाता हूं और मेरे साथियों को कहता हूं फिर से घुमाइए इसको, अच्छे से करो अभी नीचे से ऊपर तक, ऐसा फ्रंट 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 करो, आराम से करो, ये इधर से ये करो, ओके ओके चलो ठीक है, अच्छे से हो गया। अब मैंने नीचे से निकाले, अभी मैं एक जो है केवल ऊपर से निकालता हूँ, अब जो भी आ जाए, और आंखें मैंने बंद कर दी है, आशीष गढ़पाल उमरी, ये बालाघाट आई थिंक कटंगी, अच्छा कटंगी बालाघाट रखिए, आशीष गढ़पाल है उमरी लिखा है इन्होंने, उल्टा है नहीं सही है, नहीं सही है ना, और ये नंबर ये करिए जूम करिए, नंबर बताता हूँ 27329।
हो गया। चलिए आशीष गढ़पाल उमरी 27329। ओके, अब पांचवा करने के पहले एक बात मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए मैंने कल मेरे निवेदन में कहा था कि अब तक जो हमें सपोर्ट मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। जितना मिला ठीक है, हम उसमें कोई शिकायत नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, कल से VIP पासेस की बुकिंग शुरू होने वाली है और कल से अभी इस प्रकार से बुकिंग नहीं होगी। अब वेबसाइट पे बुकिंग होगी, आपको तत्काल उसकी रिसीट मिलेगी। वेबसाइट पे जाके आप बुकिंग कराइए और तत्काल उसका टोकन लीजिए, उसका PDF अपने पास में रखिए, वही आपका पास होगा। आपको फिर ये इस तरह की बातें कि काउंटर फॉइल ही नहीं पहुंचा है, वो बात जो है आगे नहीं होगी। और फिर आप जो बुकिंग करेंगे उसके जो स्लिप्स होंगी वो हम डाउनलोड करके फिर उन चीट्स को जो है इसमें डालेंगे और इस तरह से होगा। तो कल से आप बुकिंग फिर से शुरू करिए और इस फिल्म को जो आपके घर का विषय है, आपके स्वाभिमान का विषय है, आपके जीवन का विषय है और विषय है मेरे बाबा साहब का, इसको सपोर्ट कीजिएगा। मैं आखिरी जो पुरस्कार है इस फिल्म के नायक, इस विषय के नायक, भीमा कोरेगा विषय के नायक सरदार शिदनाक इनामदार शौर्य पुरस्कार, ये पुरस्कार है। तो फिर से वही, चलो धीरे 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 धीरे, ओके नाउ अब इस कोने से मैं लेता हूं। यह है राजकुमार आजमगढ़। हाँ, आजमगढ़ से हैं राजकुमार। नंबर है 104374। पहले इस तरह से दिखाता हूं, अब ये नंबर देखिएगा, ये आखिरी नीचे जो है थैंक यू। तो इस प्रकार से ये पांचवा पुरस्कार राजकुमार जी को गया है और ये आजमगढ़ के हैं और नंबर मैंने आपको अभी बता दिया। जा लीजिए, अब मेरे ख्याल से कार्यवाही की समाप्ति होने पर है। मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और आने वाले जो पुरस्कार है वो इससे बड़े पुरस्कार है। आने वाला जो पुरस्कार इसके बाद जो होगा, इसके बाद जो पुरस्कार होगा वो 1 करोड़ का पुरस्कार। और किन के नाम पे है? बहुजन माता रमाबाई आंबेडकर। रमाई ने क्या कष्ट झेले हैं, क्या 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 भोगा था उन्होंने, इसके आधार पर बाबा साहब हमको दिए। और यह कृतज्ञता पुरस्कार है, मैं इसका नाम जो है बहुजन माता रमाबाई आंबेडकर कृतज्ञता पुरस्कार इसको हम कहेंगे। और रमाई के प्रति, रमाई के चरणों में वंदन करते हुए आज इक्वालिटी न्यूज के इस स्टूडियो से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे कार्य में, हमारी हर चाल में
हमारे बोल में बाबा साहब का वो जो त्याग है, जो कुर्बानी है, उनके परिवार की कुर्बानी है, वो बसती है, हमारे नस नस में बसता है। और इसलिए जो कुछ भी करेंगे हम, वो ऐसा करेंगे जिससे इस समाज को ताकत मिलेगी, बहुजनों को ताकत मिलेगी और बाबा साहब का सपना साकार होगा। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और काउंटर फाइल्स के बारे में बता दें, जितने नहीं पहुँचे हैं वो आ ही रहे हैं, तो उनको नेक्स्ट उसमें शामिल जी। अब सुधीर जी ने एक सजेशन दिया है, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जिनके काउंटर फाइल्स अभी तक नहीं पहुँचे हैं, 339 बाकी है नहीं पहुँचे हैं, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम अगले लकी ड्रॉ में उनको शामिल करेंगे। आगे 4 करोड़ की राशि है, अभी तो 1.5 करोड़ ही हो गया, आगे 4 करोड़ की राशि है। मैं चाहता हूँ कि यथावत रहेंगे जैसे, और ये यथावत रहेगा, ये बिल्कुल उसको ताला लगा के हम रखेंगे। और आवश्यकता पड़ी तो फिर से एक एक काउंटर फाइल की वीडियोग्राफी करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए और हमारा साथ दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहते हैं आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ रहेंगे और इस समाज का भला होगा, बाबा साहब का सपना साकार होगा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।